इनफैक्ट सिंस यू गाइज आर सो एफिशिएंट, इनवाइट्स कैसे जाएंगे, भोग में क्या चढ़ेगा, प्रसाद में क्या बांटेंगे, तुम ही लोग डिसाइड कर लो। कैरी ऑन। चिपका होगा जीजी को, पल में तासा पल में तमाशा। हाँ यार, दैट वाज वेरी वियर्ड। सुबह तो हग कर रही थी, इतना इमोशनल होके, बट राइट नाउ शी वाज सो रूड। और हाउ जीजी, बाद में ना हमारे साथ भी थे, हंस हंस के बातें कर रही थी, फिर नेक्स्ट में भड़क गई। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, व्हाई इज शी बिहेविंग लाइक दिस? आई नो व्हाई। क्या? नीरा को हो रहे मूड स्विंग्स। लेकिन अचानक उसे मूड स्विंग्स हो क्यों रहे हैं? कुछ डाइट में चेंज किया है क्या उसने? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तुमने कुछ गलती की होगी, जरूर कुछ ना कुछ भूल गए होगे। एनी इंपॉर्टेंट डे डेट? अरे नहीं रोहिणी यार, उसके लिए तो मैं स्पेशली डायरी मेंटेन करता हूँ। क्या बात कर रहे हो, डायरी? या सच अ ग्रेट आइडिया, ऋषि को भी बोल दो, कितनी चीजें भूल जाता है वो। रोहिणी ऋषि को भूल जाओ, मीरा पर फोकस करो प्लीज। और क्या हो सकता है? कोई नई मेडिकेशन स्टार्ट की उसने? हाँ, अभी गायनक के पास तो गई थी, उसने कुछ नई पिल्स दी उसे। कहाँ है, शो मी द पिल्स। एक मिनट। अरे इन पिल्स का तो कॉमन साइड इफेक्ट है मूड स्विंग्स। जी मूड स्विंग का होता है? तुम्हें तो पता होगा, तुम्हें तो इतने होते हैं। हमें? अरे तुम बोलती नहीं रहती हो मूड पे आ रहो, मूड पे आ रहो, मूड स्विंग्स ही होते हैं ना। अरे जिजी बाबू मतलब होते हैं सिर दर्द हो रहा हो। ओ तुम मूड स्विंग्स मतलब? रोहिणी लेट मी एक्सप्लेन। सोचो बेबी, तुम समुद्र में एक छोटी सी नौका में बैठकर चप्पू जला रही हो। चप्पा चप्पा चप्पा। और समुद्र का पानी एकदम शांत है तो नौका कैसे चलेगी? भैया एकदम वैसे ही जैसे मक्खन की टिक्की पे गरम छुरी, एकदम स्मूथ। और तभी अचानक तूफान आ जाए और पानी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने लगे तो नौका कैसे चलेगी? भैया इसको ले काका बैठो। Exactly, मूड स्विंग भी मिजाज का हिचकोली लेना होता है, तभी तो कभी मीरा कभी पीड़ा। लेकिन भैया अगर समुद्र में कभी सुनामी आ जाए तो बाको का इलाज है? उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमें उसका मुकाबला करना पड़ता है। कैसे? हमें वैसे ही बिहेव करना है जैसे मीरा चाहती है, मीरा के हिसाब से हमें अपना रंग बदलना है। You mean like गिरगिट? No, like खरबूजा। खरबूजा? जैसे खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है ना, वैसे मीरा के मूड के हिसाब से हमें अपने मूड को स्विच करना है। हाय मीरा, हाउ आर यू? मुझे क्या हुआ? नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आई जस्ट रियलाइज्ड कि हम लोग साथ रहते हैं, इसलिए कभी एक दूसरे से पूछते ही नहीं हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, पूछना चाहिए ना। श्योर, आई एम गुड थैंक यू, हाउ आर यू? आई एम गुड टू थैंक यू। अच्छा मैं सोच रही थी कि फ्लोरल गणपति वाला डेकोर, it look really nice, let's go with that. और मैं सोच रहा था कि हमें डेकोर का आइडिया चेंज करना चाहिए। तुम क्या चाहते हो? बताया तो सही, फ्लोरल गणपति वाला डेकोर क्या कर रहे हो? नहीं ओके, मैं थोड़ा सा आई एम सॉरी। तुमने पंडित जी से बात की? वो बेबी कर लेगी। महाराज जी से? महाराज जी नाटक कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अपने असिस्टेंट को भेज देंगे, लेकिन बेबी ने अश्योरेंस दी है कि वो उन्हें कन्विंस कर लेगी। सब बेबी करेगी तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों को मिलकर बप्पा का ख्याल रखना है, एंड दैट इज व्हाई आई नीड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। तुम प्लीज बेबी से सारे नंबर्स लेकर उन सबसे डायरेक्टली बात करो, यू कैन नॉट रिलाई ऑन बेबी। कल आकर उसने कह दिया कि जीजी हमसे ना भाओ तो क्या कर लेंगे हम? अच्छा ठीक है, मैं बेबी से नंबर ले लूंगा, मैं सबसे बात कर लूंगा। ओके प्लीज, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा। ओके मीरा।
मेरी सबसे बात हो गई है, पंडित जी मुहूर्त के टाइम पे पहुंच जाएंगे और महाराज ने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भेज दी है मुझे, कल सुबह मैं जाकर सारा सामान ले आऊँगा और अगर कोई काम है तो बता दो मुझे भी। नहीं नहीं अब बाकी सब तो ऑलमोस्ट हो ही गया ना। अच्छा डोंट फॉरगेट होल्ड योर थॉट। हाय हाय, मिल गया सारा सामान? यस एवरीथिंग। आओ। ओह मैं नींबू पानी बनाने जा रहा था, पियोगे तुम लोग? नहीं यार थैंक यू, भूल गए ना। ओह आई एम सो सॉरी, तुमसे तो पूछा नहीं, पियोगी तुम? वो नहीं, अभी अभी जो मैंने कहा कि डोंट फॉरगेट, भूल गए ना। टेक्निकली मैं कुछ नहीं भूला हूँ क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं कि क्या नहीं भूलना है। भैया खरबूजा। खरबूजा? अरे खरबूजा अभिमन्यु, तुमने खरबूजा लाने को बोला था ना, वो फ्रूट वेंडर के पास मिला नहीं। तुम क्या कह रही थी मीरा, बोलो ना। मैं ये सोच रही थी कि जो लोग हमारे यहाँ दर्शन करने आएंगे उनको प्रसाद के तौर पर क्या दे सकते हैं ले जाने के लिए। चीची कुलकर्णी चीची तो मोदक देता थी, वो बप्पा के फेवरेट होते ना। हाँ उकड़ीचे मोदक। आइडिया बुरा नहीं है पर उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, और हमारे यहाँ दर्शन करने के बाद और जगह भी तो जाएंगे लोग दर्शन करने, और जब तक घर पहुँचेंगे तब तक खराब हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई टोटली अग्री विद हर। हम लोग तो सिर्फ सजेस्ट कर रहे हैं, फाइनल डिसीजन इज योर्स। या चीची बेसन के लड्डू कैसे रहे? फेस्टिवल पर वैसे ही दिन भर बहुत मीठा हो जाता है, अब ले जाने के लिए भी मीठा देंगे तो। अब जी प्रसाद तो मीठो ही होता ना, लोगों को ऐसे भुजिया दे तो अच्छो नहीं लगे। बेबी खरबूजा। खरबूजा? खरबूजा मतलब फ्रूट्स। फ्रूट्स? फ्रूट्स नहीं, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। हाँ ये सही रहेगा, ड्राई फ्रूट्स। क्या हुआ? ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छा आइडिया है, एक तो शेल्फ लाइफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीठे भी नहीं होते और हेल्दी भी होते। या मैं अभी शुक्ला जी को फोन करता हूँ। नहीं नहीं रहने दो। अरे उनको फोन तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो पैकेट बनाएंगे। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, रोहिणी ऐसे लूज ड्राई फ्रूट्स लोगों के हाथ में देंगे ना, दे लुक वेरी टैकी, पैकेट्स आर बेटर। अरे बट वेट। अरे वेट करने का ही तो टाइम नहीं है, दो दिन ही तो बचे हैं। बेबी मेरा बैग पकड़ाओ ना वहां से प्लीज। हाँ चीची। क्या बात है रोहिणी, आजकल बैग में ड्राई फ्रूट्स भर के घूमती हो तुम। ये ट्राई करो। दिस इज अमेजिंग, ऐसे काजू तो बहुत सालों बाद टेस्ट किए। कृषिवल नट्स अपने ड्राई फ्रूट्स डायरेक्टली फार्म से सोर्स करते हैं, आमंड्स फ्रॉम कैलिफोर्निया, कैशियूज फ्रॉम गोवा। वाओ दे आर सो क्रंची, अरोमा भी कमाल का है यार। बेबी ट्राई करो। क्योंकि इनका प्रोसेसिंग मेथड बहुत ही यूनिक है, दे डोंट ऐड एनी प्रिजर्वेटिव्स और इन नट्स को फ्राई नहीं ड्राई रोस्ट किया जाता है, व्हिच मींस जीरो ऑयल, इसीलिए हाथ भी चिपचिप नहीं हुआ। पता है मैं तो आजकल क्रिशिवल नट्स का एक पैकेट अपने बैग में जरूर कैरी करती हूँ मिड मील स्नैकिंग के लिए, कभी भी कहीं भी भूख लगी कुछ हेल्दी खा लिया। लेकिन जिज्जी शुक्ला जी कितने सस्ते मिले, ये तो महंगे हुए। She has a point. अरे नहीं चिंता मत करो, बिल्कुल महंगे नहीं है। These are very cost friendly also. वेबसाइट चेक करो उनकी, krishiwal.com। अरे वाह इनके पास तो आमंड्स, पिस्ताशियोस, फिग्स सब कुछ है, और कैशियोस के तो 7 फ्लेवर्स हैं। मीरा लेट्स गो फॉर दिस। थैंक यू रोहिणी, घर बैठे बैठे ही काम हो गया। यू आर वेलकम। गाइस कैन आई हैव माय पैकेट बैक नाउ? हां या Now you can have your packing bags. बुलाओ ना यार, लेट हो रहा है। मीरा जल्दी करो ना, ऑलरेडी लेट हो चुका है यार, सुबह जल्दी भी उठना है, इतने सारे काम है। आई आई चलो बैठो। तुम क्या हुआ? Guys, I have to say something. मीरा अभी बात करने का टाइम नहीं है, लेट हो रहा है, हम पापा को घर ले आते हैं फिर बात करते हैं। Guys. खरबूजा। हाँ मीरा तो क्या कहना चाह रही थी तुम? हम किसी को नहीं बुलाते हैं। मीरा किसी को नहीं बुलाया है, अभी सिर्फ हम लोग ही जा रहे हैं, बाकी लोग तो कल आएंगे ना दर्शन के लिए। मैं कल की बात कर रही हूँ। हाँ क्यों? क्यों व्हाई काय? क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कल कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। आई एम रियली पैनिकिंग गाइस,
इतने सारे लोग आ रहे हैं, हम सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे? कभी नहीं किया है, पहली बार है ये, क्या कैसे? लेट्स नॉट डू इट प्लीज। मीरा, सबको इनविटेशन जा चुके हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, खाने पीने का इतना सामान आ चुका है यार, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स आ चुके हैं। भाई कुछ भी बहाना बना दो, बस मना कर दो। गाइस गाइस, कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा मीरा, क्यों? यू लिसन टू मी, तुम पैनिक मत करो, ये जो हो रहा है ना तुम्हारे साथ, दिस इज जस्ट अनदर वन ऑफ योर मूड स्विंग्स। हाउ जीजी, कछु दिन से तुम्हारा मिजाज बहुत हिचकोले खा रहा हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब दिशा में दौड़ रहा हो, तभी तो हम लोग ऐसे फूक फूक के कदम रख रहे। तो मूड स्विंग्स, इसलिए तुम लोग मेरे साथ इतना एक्स्ट्रा स्वीट तरीके से बर्ताव कर रहे हो और मेरी हर बात को मान रहे हो। मेरा ऐसे टाइम पर अगर हम लोग तुम्हारे मूड स्विंग्स को नहीं संभालेंगे तो फिर कौन संभालेगा? You're right. पल में इमोशनल हो जाती हूँ, पल में इरिटेट हो जाती हूँ, पल में खुश हो जाती हूँ और फिर अचानक से सैड। आई एम सो सॉरी यू गाइज। देन दिस इज ऑल द मोर रीजन कि हमें किसी को नहीं बुलाना चाहिए। अगर मैंने महाराज जी पर चिल्ला दिया या फिर किसी गेस्ट पर चिल्ला दिया तो इट विल बी सो एम्बैरेसिंग। मीरा, कल कुछ गलत नहीं होगा, कल से सब ठीक होगा और कल से सिर्फ एक ही मूड होगा, खुशी का मूड। कल घर पे कौन आने वाला है? बाल गणेश। और तुम्हें पता है ना गणपति बप्पा को क्या कहते हैं? विघ्नहर्ता। वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आएंगे। और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास उसका सलूशन है। क्या? गाइस चलो 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 बप्पा को लेकर आते हैं। अरे बट क्या है ये खरबूजा? मक्समेलन। हाँ बट पिछले 3-4 दिन से सुन रही हूँ। अरे बताओ तो सही। आओ आओ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री यजमानं भार्या बाले तिलक करिष्ये। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन के भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुवन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा मौर्या। मंगल मूर्ति मौर्या। गणपति बप्पा। जैसे कि हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम के साथ होती है, वैसे ही हर फेस्टिव सीजन की शुरुआत गणेश उत्सव के साथ होती है। तो वी विश द एंटायर एसआईटी कम्युनिटी अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस फेस्टिव सीजन। दिस वीडियो वाज डन इन एसोसिएशन विद क्रिशबल नट्स। इस फेस्टिव सीजन अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ खुशियां बांटिए और क्रिशबल नट्स खाइए कहीं भी कभी भी। और खुशी की बात ये भी है कि
कि स्पेशली SIT कम्युनिटी के लिए क्रिशिवल नट्स की वेबसाइट पर आपके टोटल बिल पर आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट. ऑल यू हैव टू डू इज अप्लाई द कूपन कोड SIT20. द लिंक टू द वेबसाइट इज इन द डिस्क्रिप्शन. और एक कॉन्टेस्ट क्वेश्चन भी है हमारे आज के एपिसोड में. बप्पा के कितने रेफरेंसेस दिए गए, जैसे कि बप्पा, गणपति, बाल गणेश, बस बस बस. और 25 लकी विनर्स को मिलेगा क्रिशिवल नट्स की तरफ से एक हैम्पर. तो आपने अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू श्री आइडियाज ट्रेंडिंग. दिस इज ऑल साइनिंग आउट. लव एंड पीस फ्रॉम अस टू यू. हैप्पी गणेश चतुर्थी. ओह, हैप्पी गणेश चतुर्थी.